अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू वन मोर व्लॉग। हम लोग फिर से आ गए हैं माई बाइक के पास। आज हम लोग जो है माई बाइक को उठाएंगे और चलेंगे एक बहुत ज़बरदस्त जगह ब्रेकफास्ट करने के लिए। अभी चलते हैं, साइकिल को पहले अनलॉक करते हैं। तो आज मैंने ये माउंट वाला जो है बाइक लिया। उस दिन लास्ट टाइम जो मैंने बाइक ली थी ये वाली थी जिसमें माउंट टूटा हुआ था, तो मैंने आज जो है माउंट वाली बाइक को ली है। ये मेरी बाइक ओपन हो चुकी है। सो जो है आज के बाइक का नंबर मेरा है 401 एंडोरा और मेरी बाइक अनलॉक हो चुकी है। सो अब हम लोग राइड स्टार्ट करेंगे। राइड स्टार्ट करने के बाद जो है हम लोग जो है आज ब्रेकफास्ट भी करेंगे। सो आज के बाद जो है अपना जब इसको राइड करेंगे हम इसका नाम रखेंगे ब्रेकफास्ट विद ट्रिन ट्रिन। सो अब चलते हैं जल्दी से, पहले एक्सरसाइज फिर ज़बरदस्त वाला ब्रेकफास्ट। आपको एक्सरसाइज भी दिखाएंगे और ब्रेकफास्ट भी दिखाएंगे। तो निकालते हैं साइकिल, हम लोग जो है हमारी माई बाइक वाली राइड को स्टार्ट करते हैं और जो है चलते हैं सीधा ब्रेकफास्ट करते हैं और बताते हैं आपको कि आज ब्रेकफास्ट में क्या रहेगा। तो आप भी हमारी राइड जो है एंजॉय कीजिए हमारी माई बाइक में। ये देख सकते हैं आप, हमारी माई बाइक रेडी हो चुकी है। इसको हम निकालेंगे पहले। ये आज की मेरी माई बाइक रहने वाली है। तो इस ऐप को डाउनलोड करके जो है आप भी इस साइकिल को चला सकते हैं फ्री में। सो आज मेरे पास सिर्फ 10 मिनट फ्री बचे हुए हैं। सो उसके बाद जो है पता नहीं कितना चार्ज होगा और जितना भी चार्ज होगा मैं आपको आज बताऊंगा। सो अब हम लोग चलते हैं, हमारी राइड को स्टार्ट करते हैं और हम लोग जो है हमारी बाइक राइड वापस से कंटिन्यू कर रहे हैं। आप ये देख सकते हैं कि भाई जब मैं बाइक चला रहा हूँ शायद बहुत ज़्यादा शेक हो रहा है। द रीज़न इज़ बिकॉज आई एम होल्डिंग दी कैमरा इन वन हैंड एंड ड्राइविंग दी साइकिल इन अदर हैंड। तो इसीलिए जो है ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा शेक हो रहा है। तो ये इस राइड को जो है पहले हम एक्सरसाइज की तरह करेंगे, फिर उसके बाद जो है दबा के नाश्ता करेंगे और दिखाता हूँ मैं आपको आज का जो है ज़बरदस्त नाश्ता। सो आई एम गोइंग टू माई फ्रेंड्स रेस्टोरेंट। तो ये जो है देसी स्टाइल वाला ब्रेकफास्ट होगा, मगर देसी स्टाइल वाले ब्रेकफास्ट को जो है ना सपोर्ट ज़रूर करना। और जो है ये कोई इंटरनेशनल ब्रांड तो नहीं है बट वोकल फॉर लोकल। लोग इसका एग्जैक्ट लोकेशन जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूंगा। सो आप भी विजिट करना, विजिट करके जो है इस रेस्टोरेंट को सपोर्ट करना। आप सीधा जो है इस ब्लॉग को रेस्टोरेंट में जाके ही कंटिन्यू करूँगा। जिस रेस्टोरेंट में हम लोग जाने वाले हैं उस रेस्टोरेंट का लोकेशन मिलने तक जो है हम सोचे कि भाई जो है इस ब्यूटीफुल सर्किल के सामने जो है हमारी माई बाइक को रुका के थोड़ा फ़ोटो और वीडियो शूट कर ले। सो अल्हम्दुलिल्लाह दिस सर्कल लुक्स वेरी ब्यूटीफुल। तो जो है यहाँ पे जो है हमारी माई बाइक को खड़ा के हमने एक छोटा मोटा फ़ोटो शूट कर लिया। तो अभी जो है उनका फ़ोन आ गया है, तो चलते हैं लोकेशन में और ब्रेकफास्ट की तैयारी करते हैं। ये आ गया हमारा फुल कोर्स मेनू इनका जो है। ये जो है टोमेटो भात, शावगे भात, इडली और वड़ा, और ये रहा स्वीट केसरी भात। शुरू करते हैं इडली से। ओहो, इडली तो काफ़ी सॉफ्ट। इसको चटनी के साथ पहला बाइट। अभी जो है इडली काफ़ी सॉफ्ट, चटनी तो बहुत ही खूब। अभी राइस बात को चटनी बात बिरयानी कर दी है ना, क्या हो गया बात को चटनी के साथ। तो टिपिकल देसी स्टाइल में खाने पीने जाते हैं। आई एम टेस्टिंग द फुल मेनू। तो हम लोग जो है अभी अंदर चलते हैं, चलते जो है जो यहाँ के जो ओनर हैं उनसे बात करेंगे। उन्होंने पहले हमें कहा कि ब्रेकफास्ट कर लो फिर आराम से बात करते रहेंगे। तो ये देख सकते हैं सेटअप, इसका कोई नाम नहीं है। तो लोकेशन जो है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप लोकेशन को चेक कर सकते हैं, चेक करके जो है इस लोकेशन में पहुँच सकते हैं। तो ये रहा इनका ओपन किचन है, बैठने की भी वही जगह है। तो ओपन किचन में बैठो और जितना खाओ, और वो डालते रहेंगे प्यार से हमारे रजाक भाई, शीद रजाक भाई हु इज सर्विंग द फूड। तो बड़े प्यार से जो है चटनी और सांभर डाल डाल के सबको खिला रहे हैं। दी ओनली नॉन वेज अवेलेबल हियर इज़ एग।
और बाकी तो कुछ भी नॉन वेज अवेलेबल है नहीं, और बाकी तो फुल वेजिटेरियन है, 100% वेजिटेरियन एक्सेप्ट फॉर एग। तो बड़े ही प्यार से जो है उन्होंने हमें डाल डाल के खिलाया। तो व्हाट आई शोड यू इन द कॉम्बो, ये ऐसा तो एक्चुअली कॉम्बो में मिलता नहीं है, इन्होंने सिर्फ प्रमोशन के लिए जो है, यानी कि मेरे लिए जो है स्पेशली गर्म होते हुए, तो उन्होंने स्पेशली सिर्फ मेरे लिए जो है पूरी डाल के, मतलब प्लेट को ऐसे डाल के दिया, ये गई पूरी अंदर, ये ओपन किचन रहने का एक फ़ायदा ये है कि भाई आपको बार बार जो है किसी को बुलाना नहीं पड़ता कि भाई इफ़ यू वांट चटनी और एनीथिंग, आप जाओ पास में और डाल लो जितना चाहिए। ये निकल रही है गर्मा गर्म इडली, देख सकते हैं आप, वहाँ पे पूरी जो है फूल गई। अरे कितना खुद खुलता से? ये दुकान में जो खुलता है। और ये छः घंटे का डील था, 6 घंटे को सब रेडी रहता है। बड़े भी जो मोस्ट ऑफ दी जगह पे जो है वड़े जो है काफ़ी लेट में मिलते हैं, जो इनके पास जो है 6 बजे को वड़ा भी रेडी रहेगा इंशाल्लाह। कितना खुद तक खुली रहती है दीदी? 12 बजे 12 बजे बंद। इवनिंग कितना खुद को? इवनिंग 6 to 11। इवनिंग का मेनू सेम नॉन वेज नहीं प्योर वेज? तुम्हारी स्पेशलिटी क्या मेन? इडलियाँ तो इनका स्पेशलिटी जो है इडली, इडली वॉज रियली सॉफ्ट, तो नो डाउट अबाउट इट। तो पूरी तो ट्राई करने का मूड है बट हिम्मत नहीं है, तो नेक्स्ट टाइम करेंगे पूरी ट्राई। तो अभी जो है देखते हैं कि कुछ और खा सकते कि नहीं, अगर नहीं खा सकते तो जो है हम लोग व्लॉग कंटिन्यू करेंगे हमारी साइकिलिंग के साथ। ये खड़ी है हमारी माई बाइक जो हमारे साथ जो है तो ब्रेकफास्ट करने आई है। चार बड़ा ये इनका सांभर। ओहो बात ये अंडा जो है वो भात के साथ देते हैं, ये साग के भात के साथ, किसी के साथ भी आप खा सकते हैं, सब टू यू। ये मसाला वड़ा, ये रहे इडली पूरी, ये चटनी। तो ब्रेकफास्ट का जो है ओवरऑल रेटिंग 5 out of 5, लोकेशन और इनका जो सीटिंग अरेंजमेंट ये देख सकते हैं एकदम ओपन एयर, टेस्ट इज़ रियली गुड, एकदम ज़बरदस्त जो है टेस्ट, हर चीज़ ज़बरदस्त है, एंड कॉस्ट वाइज तो क्या ही पूछे कि इट्स वेरी इकोनॉमिकल। तो आप भी जो है इस प्लेस को विजिट करें और जो है सपोर्ट करें इस लोकल बिजनेसेस को, और मिलते हैं जो है हम लोग ब्लॉग कंटिन्यू करेंगे। तो हमारा वीडियो यहाँ पे ख़त्म होता है अभी जो है, बस थोड़ी देर में हम लोग जो है, ये मेरा कैमरा इतना हिल गया ना, उन्होंने जो है लेंस पोर्ट्रेट मोड का तो हब दे दिया, एक लैंडस्केप मोड का भी हब दे देते तो अच्छा होता। सो एनी हाउ मैं जो है साइकिल को एकदम धीरे से चला रहा हूँ ताकि जो है मेरा कैमरा हिले नहीं, मैं बहुत ही एक जो है एंगल में रखा हूँ, शायद मेरी आवाज़ भी इतनी तेज़ नहीं आ रही होगी क्योंकि ये हमारी राइड ख़त्म हो गई। हम आ गए वापस से जो है LIC के हब में, इसको पार्क कर दिया है, बट ऑलवेज़ रिमेंबर टू लॉक योर साइकिल मैन्युअली। ये पहले हम लोग मैन्युअल लॉक करेंगे, मगर अभी तक ये लॉक नहीं हुई है क्योंकि इसको वापस से कोई भी खोल सकता है, इसको जो है ऐप से वापस से लॉक करना पड़ेगा। एक लाइक दे देते मेरे वीडियो को भी, एक लाइक दे देना आप ऐसी। तो जो है अब इसको जो है मैं ऐप से लॉक करता हूँ, ये आप मेरे स्क्रीन पर देख सकते हैं कि भाई मैंने लॉक किया है, और इसको जूम करके देख लेना कि उसमें पता चल जाएगा कि कितने पैसे जो है आज मेरे इस राइड में कटे हैं, और जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाला हूँ कि कितने पैसे कटे आज। तो ओवरऑल जो है इस राइड के लिए एक लाइक तो बनता है, और जो है कल हम जो है इस बाइक से जो है चामुंडी हिल भी चढ़ेंगे। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए हमारे साथ जो है बने रहिए, बेल आइकन को हिट कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे अगले वीडियो में, सलाम अलैकुम।